टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन, दिस इज़ गढ़वाली हसलर एंड और आज मैं आपके साथ मतलब आपके लिए एक नई वीडियो के साथ आया हुआ हूँ और आज के ब्लॉग में जो है आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम हैं मेरे जो हैं बहुत ही पुराने दादा परदादा ने मेरे पितरों के टाइम का मंदिर जो कि है यहाँ पे प्राणमती गाँव के अंदर जो कह पा रहा है। मंदिर दयालु भैरव के नाम से फेमस है यहाँ पर और ये बहुत ही पुराना मंदिर है और आज मैं अपने चाचा के साथ हूँ जो इस मंदिर के पुजारी हैं एक्चुअली में। तो थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर की हिस्ट्री क्या है, वो आपको ढंग से बता पाएंगे। वैसे मैं भी उसी खानदान का बट मेरे को उतनी ज़्यादा हिस्ट्री पता नहीं है तो मेरे चाचा अच्छे से बताएंगे आपको उस हिस्ट्री के बारे में। तो आप चलो थोड़ा सा उनसे बात करते हैं मेरे चाचा से। सो ये है मेरे चाचा जी। चाचा जी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। देविंदर। पूरा नाम बताइए। देविंदर। देविंदर। अच्छा तो चाचा जी का नाम जो है देविंदर है। तो बताइए चाचा जी मंदिर जो है कब से है यहाँ पे और क्या इसके इतिहास क्या है इस मंदिर का? इसकी इतिहास क्या है? ये पुराना जमाने का मंदिर है। अच्छा। और कहे बाहर के आदमी आते पूजा करने के लिए, माना हुआ मंदिर है। और कितने साल हो गए होंगे इस मंदिर को? इस मंदिर को हो गया 40-45 साल, आगे ही चले गए पीछे में। अच्छा तो ये मंदिर जो हमारे दादा जो हमारे मतलब परदादा है उनके नाम से फेमस है, जैसे दयालु भैरव के नाम से। दयालु भैरव। और यहाँ के आसपास के गांव में भी काफी प्रसिद्ध है जो दयालु भैरव है वो। तो जब भी यहाँ पे कभी जाकर पूजा वगैरह होती है तो वहाँ पे जो है ये मतलब देवता जो है यहाँ का आता जरूर है वहाँ पे। सबके घरों में एक तरीके से इष्ट देवता सबके। तो यहाँ पे जब पूजा वगैरह होती है कहाँ कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए? बाहर से आ जाते हैं दुनिया भर के। कहाँ कहाँ के गाँव के नाम बता सकते हैं? पेरी, सुतोल, दिल्ली, बांक, मुंदोली, कनोल। तो फ्रेंड्स आप समझ ही सकते होंगे कि फेमस कितना मतलब मंदिर कितना फेमस है और यहाँ से इतने दूर दूर के लोग आते हैं। तो मैं इसके साथ आपको मेरे दूसरे चाचा हैं उनसे भी मिलाता हूँ जो है जिनका नाम है कंचन। तो इनसे भी थोड़ा पूछते हैं इनके बारे में, इतना ये क्या जानते हैं मंदिर के बारे में। तो चाचा जी आप बताइए आप इस मंदिर के हिस्ट्री के बारे में मतलब इतिहास के बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं? ऐसा है बेटा, ये जो है कि पहले से हमारे दादा परदादा से ये चलते आया, लोग बहुत मानते हैं, बाहर के लोग आते हैं, सब इधर उधर के आते हैं, सारा मानता है इस देवता की। इसकी बहुत बहुत बड़ी बहाम है, बहुत बड़ी बुहा है इसकी। ठीक। तो दुनिया भर के जो है कि सारे बाहर के लोग आते हैं, उत्तराखंड में जितने भी वो उत्तराखंड के लोग यहाँ पर जो है कि पूजा के लिए आते हैं। तो सारा मान देख आजता है, सबका भला करता है। तो इसीलिए जो है कि टूटा हुआ है कि उत्तराखंड के लोग सारे आ चुके हैं यहाँ पे। कोई किसी को वरदान भी देना होगा, किसी की औलाद भी नहीं होती होगी, तो यहाँ जो है कि वर मांग के जाते हैं, उनका फायदा होता है। अच्छा। तो
तो अभी तक कितने पुजारी रह चुके होंगे आप इस मंदिर के? मेरे दादा परदादा चलते आए हैं, पर दो पुजारी अभी यहाँ पे रह गए हैं, कंचन और दीपचंद राम जी। अच्छा। हमारा बड़ा भाई दीवानी राम जी। अच्छा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो हैं यहाँ पे अपनी पूजा के लिए आए हैं, मतलब मेरी मम्मी ने पापा ने मन्नत मांगी थी, तो आज हम जो है भैरव जो हमारे देवता हैं, इष्ट देवता हैं, उनको जो है बकरी जो है यहाँ पे, मतलब यहाँ का रिवाज है कि अगर आप कुछ मांगते हैं तो उसके बदले कुछ देना पड़ता है देवता को, तो यहाँ पे बकरी जो है आज हमें पूजा में देनी है, तो पूजा हम करने आए हैं। बाकी अभी जब पूजा स्टार्ट होगी तो दिखाते हैं, थोड़ा पहले आ गए हैं तो उसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ पे कैसे कैसे पूजा होती है। मंदिर मैंने आपको पहले भी दिखाया, पर मैंने पहले आपको इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं है, तो इस बार मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा, और मैंने जो आपकी आपको जानकारी दी मंदिर के बारे में चाचा लोगों ने, तो ये यहाँ की हिस्ट्री है। तो बाकी पूजा मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है यहाँ पे साइड में थोड़ा ना पूरी वगैरह जो है अंदर चढ़ेगी, मतलब देवता को, उसके लिए थोड़ा पूरी और थोड़ा मतलब मीठी चीज़ें बनाई जाती है, तो यहाँ पे भी हम आग जला रहे हैं, वो बनाएंगे, तो दिखाते हैं अभी आपको आग जल जल रही है यहाँ पे, मतलब स्टार्ट ही कर रहे हैं हम लोग आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है यहाँ पर चूल्हा लगा रखा है, टेम्परेरी चूल्हा पत्थरों द्वारा, इसी में आग जलाएंगे, और ये चाचा जो है ये बना रहे हैं, बना बना आप इसमें क्या है लाल वाले डब्बे में? इसमें पानी है। चलो जब तक चाचा जो है वो आटा गूंथ रहे तब तक मैं मंदिर दिखाता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जाता है दो भैरव है जो यहाँ पे बहुत फेमस हैं, और उनमें से एक ये है और एक है दूसरा, मेरे को उसका नाम तो नहीं पता। तो ये हमारा मंदिर है जो कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं। और ये इसका पूरा मंदिर का परिसर है, यहाँ पे जो है लोग इकट्ठे होते हैं, यहीं पे दान वगैरह यहीं से मतलब एंट्री होती है मंदिर के लिए। तो मंदिर जो है ये है, ये है अंदर भैरव बाबा की मूर्ति, और जैसे आप देख सकते हैं ये जो है पत्थर के अंदर जो है, मतलब पत्थर के अंदर से पूरा मंदिर जो है उत्पन्न हुआ है, और यहाँ पे बोलते हैं कि नागमणि भी है, यहाँ पे नाग जो है नाग देवता रहते हैं इसके अंदर। वैसे दिखा लो अंदर में, दिखा लो अंदर कैमरे से, अंदर से दिखा लो कैमरे से। तो ये है मंदिर कुछ ऐसा, और इसी गुफा, यहाँ से गुफा इसके पीछे जो है यहाँ पे सांप वगैरह रहते हैं, तो आप देख सकते हैं मंदिर जो है वो कितना विशाल है, अंदर से बाहर से देखने पे लगता नहीं है ऐसा। ये पूरी गुफा है बहुत बड़ी, उसी के अंदर ही मंदिर बना हुआ। ये तुते वालो हसते ना तक चले तना वाला मां काली को जायो, ये है राज मां काली को जायो। ये तना वाला बिरया गोरे नाथ सुंद वाला गुंडिये का दीवान, ये है राजा छांटा चपड़ा से। ये राजा चले दुभाग दो कना पहुंच भागिए राती चाला, ये है राजा भागिए राती चाला। छाला पहुंची पुचाए जावे तोर, यह बाबा नि जावे तोर। ये राजा नीचे जावे तोर, ये की तुन उचो बार पोर, यह बैर उच बार पोर। जक थे भरो राजा की जगा, हमें बोलिए भरो राजा की जगा। ये राजा हारू कबो आलिया मा, ये राजा लाटो ना।
बताया जी, अभी क्या क्या कर रहे हो आप, क्या तैयारी कर रहे हो? अब पूजा की तैयारी हो रही है, अब दीपक जलेंगे और पूजा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कोई भी बाहर से आए आते हैं और पूजा करते हैं, दर्शन करके जाते हैं। हाँ, आपकी मूछ अच्छी लग रही है बहुत। हाँ अच्छी लग रही है, अंग्रेजों के जमाने के जेलर लग रहे हैं। और टी शर्ट तो बहुत अच्छी पहन रखी है आपने, बिल्कुल लड़कों वाली टी शर्ट, बड़ी अच्छी आपकी। चलो थोड़ा मैं आपको मंदिर का टूर देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये एक कमरा जहाँ पे खाना वाना, मतलब जो प्रसाद बनता है उसका सामान है, जैसे चाशनी वगैरह, पतीले सब। तो इधर ये सामान रखा जाता है। और ये यहाँ पे प्रतीक्षालय टाइप बना रखा है। यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ भी है, ये जो ऊपर से मतलब ये रास्ता है सामने, यहाँ से भी मतलब एंट्री है। तो यहाँ से लोग सीढ़ी के द्वारा नीचे आते हैं, देख सकते हैं आप, ये सामने जो है ये सीढ़ियाँ हैं। और ये है यहाँ पे मतलब आग वगैरह जलाते हैं, जैसे कुछ पकाने वकाने के लिए यहाँ पे भी, और दोनों तरफ बना रखा है तो यहाँ पे करते हैं। और ये है सामने जो है पानी के लिए, तो यहाँ पे पानी वगैरह जो अगर ज़रूरत पड़ती है तो पानी यहाँ से लिया जाता है। और यहाँ पे दिया थी बकरे की बलि। तो अगर बकरे की बलि की वीडियो तो मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि वो यूट्यूब के गाइडलाइंस के अगेंस्ट रहेगा, तो इसलिए वो तो नहीं दिखाऊँगा, बाकी मैं दिखाऊँगा आपको। और ये सामने से कितना अच्छा व्यू है इसका, मस्त देखिए। ये नीचे नदी है, ये जा रही है, ये देखिए फ्रेंड्स। और ये सामने है कनोल गांव। अभी हमने यहाँ से उस सामने वाले गेट से एंट्री ली थी, हम यहाँ पे वो खाना मतलब आग जल रही है सामने। ये है मंदिर, ये बर्तन रखने की जगह, और ये है आग जलती यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं ना आज माइक लाना भूल गया, तो माइक में मतलब हो सकता है कि आपको आवाज़ ठीक से ना आ रही हो, पर ये कि कोई नहीं, अभी जब वीडियो बनाने से मतलब है, अभी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ये मेरा चाचा का लड़का है, मेरा छोटा भाई है, ये यहीं पे रहता है। तो फ्रेंड्स आप फाइनली आग जल गई है, और इसमें घी डाल दिया गया है। घी में बनेगा सारा, देसी घी में, मतलब प्योर ओरिजिनल घी, मार्केट वाला घी नहीं है। और ये चाचा जो है आटा गूंथ रहे हैं। हाँ पहाड़ी घी है, गाय का। हाँ गाय का। तो फ्रेंड जो है कढ़ाई में, एक्चुअली माफ़ी चाहूँगा, वो घी नहीं था, वो था गुड़, अब डाला जा रहा है घी। ये गया कढ़ाई में घी। थोड़ा सा इसको पीछे खिंचकर यार, यहाँ पे मैं इसको, बस धन्यवाद भाई। तो जब तक चाचा जो है वो पूड़ियाँ बना रहे हैं, मैं कुछ चीज़ बताना आपको भूल गया कि जो मेरा गांव है उसके बारे में। और जो मेरा गांव है वो एक्चुअली ये प्राणमती है गांव उसका नाम, और ये चमोली जिले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है, जिला चमोली है, सॉरी जिला चमोली उत्तराखंड। तो ये जो है यहाँ का जो मेन नंदा नगर घाट है उसके पास पड़ता है,
चंदनगर घाट के आगे जाके मतलब एक मार्केट आती से तेल करके उसके ऊपर ही यहाँ से जो है काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, ट्रैकिंग करके यहाँ पे आना पड़ता है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे जब पहुँचे थे मतलब बहुत मेहनत करने के बाद, मतलब काफ़ी लंबी ट्रैकिंग करने के बाद यहाँ पहुँचे। तो ये प्राणमती गाँव है और ये प्राणमती गाँव का जो है दयालु भैरव का प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर, तो जो कि मेरे परदादा के नाम पर है। तो वहाँ पर आज हम पूजा कर रहे हैं। तो ये हिस्ट्री मतलब कुछ चीज़ थी जो इसके बारे में बताना भूल गया था मैं आपको कि जगह कहाँ पे एक्चुअली में, और ये आसपास यहाँ पे कनोल, बूरा, घुगनी, रामणी और क्या बोलते हैं पेरी, गेरी, पलटिंग धार, ये सब यहाँ पे जो आसपास सारे गाँव यहीं पड़ते हैं नियर बाय में। वैसे नियर बाय होता नहीं है, होता तो दूर दूर ही है, बट दिखते यहाँ से पास में ही है। तो ये कंटिन्यू करते हैं इनकी पूड़ियाँ, ये जा रही है पूड़ियाँ। छोटे भाई का सारा काम करना आता है, पूरा काम करता होगा घर का। यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं इन चीज़ों में, घर के सारे काम उनको आते हैं, लकड़ी जलाना ये सब, चूल्हा जलाना, गाय चराना यहाँ का नॉर्मल काम है, बकरी चराना। मेरी मम्मी जो ये भी हेल्प कर रही है चाचा की पूरी बनाने में। यहाँ पे फ्रेंड जो है चकला वेलन वगैरह यूज नहीं होता, हाथों से ही हराते हैं रोटी को। चकला वेलन हराती हमारे
भाई नमस्ते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब मिलते हैं एक दूसरे से तो थोड़ा ना ऊना वोना हो जाता है यहाँ पे नॉर्मली, क्योंकि काफी टाइम बाद मिलते हैं एक दूसरे से। तो और चाचा जी कहीं तकलीफ तो नहीं रास्ते में? जटालाई में मैं तो जहाज कहाँ से पकड़ा आपने? जहाज कहाँ से पकड़ा आपने यहाँ आने के लिए? किधर से? फ्लाइट में आया ना आप यहाँ से? उड़ के जहाज में? जहाज नहीं, जहाज। अरे उड़ने वाले को जहाज बोलो, जहाज नहीं बोल रहा हूँ। और नहीं लोग ना ये हमारा छोटा भाई है, उसका नाम है कादर खान। ये बहुत तगड़ा मुर्गी मार रहा है, पत्थरों से मुर्गियां मार देता है। बेचारे को आटा गूंदने में लगा दिया। वैसे छोटा भाई का नाम हरीश है, पर उसको प्यार से सब कादर खानी होते हैं। तबियत खराब होती है पूरे। यो जिला पहले न तो ठंडो पार है मिस्ती है पार भी तो आ गिला आपसे जा तो क्या बना रहा चाहिए अभी? ये बन रहा है पुआ। हलवा मंदिर के लिए चढ़ाने के लिए बन रहा है वो चैनल चैनल। तो ये है इसका पेस्ट बैटर। अब ये डाला जाएगा कढ़ाई में तेल गर्म होने पे। सारा यूट्यूब मकान भी सारे लिए उफने के लिए सरस। तो ये है खा बनाते बनाते मंदिर का पूजा के सामान बनाते बनाते पानी की प्यास लगी। आखन जनान जी जो है कि पानी पी रहा है। पानी पानी तक ठीक है, पानी पी लो कोई बात नहीं, कुछ और पीने की बात हाँ।
तीन चार दिन अरे बहुत बड़े के लिए हो गए बता दो तो अंदर का वो पूरा हो जाएगा। हाँ अरे भगवान की सेवा करनी पड़ती है। फ्रेंड्स ये बन गया हलवा। ये बन के तैयार हो गया हलवा। गुरु का
बोलना सिखा देगा? क्यों भाई यार, मैं तो तेरा मुझे सिखाएगा नहीं, तू तो सिखाएगा ना मुझे गढ़वाली बोलना सिखा देगा? सिखा देगा यार, तू तो अच्छी गढ़वाली बोलता है। नहीं सिखा पाएगा? हिंदी बोलना सिखा देगा? स्कूल जाता है? कौन सी क्लास में, कौन सी कक्षा में है? कौन सी कक्षा में? आंगनवाड़ी में भी? अच्छा हिंदी बोलने आती है, हाँ अच्छी बात है। मेरे को गढ़वाली सिखा दे यार, गढ़वाली सिखा दी मुझे, थोड़ा सा सिखा दी यार। तू भी सिखा सकता है मेरे को गढ़वाली, और कोई नहीं सिखा सकता, तू बहुत अच्छी गढ़वाली बोलता है। नाम क्या है भाई? नीरज। नीरज सिखाएगा मुझे गढ़वाली? सिखाएगा ये भाई, सिखाएगा मुझे गढ़वाली? नहीं सिखा सकता यार, क्यों? तू तो बोलता है, छोटे से बोलते आ रहा है, सिखा दियो मुझे। कितनी बार बना ली जूनियर क्या कहेंगे? यूट्यूब के लिए नाना जी जो है, अब ये फ्रेंड्स बकरा जो है काटने जा रहे हैं, इससे काटा जाएगा। बेचारे बकरे का आखिरी दिन है यहाँ पर। देखिए आज पूजा है यहाँ पर भाई लोगों की, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने सुना है, जो इसकी वीडियो है वो नहीं ले सकते मारते हुए, तो हम बाद में दिखाते हैं जब प्रिपेयर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये बन रहे हैं चावल, चावल बन रहे हैं मामा जी। हाँ चावल, ये मेरे मामा जी, और अभी ये जो है कुक कर रहे हैं चावल, अभी सब पानी गर्म कर रहे हैं। मामा जी वीडियो देखी आपने मेरी यूट्यूब वाली सारी? देखी होंगी, नहीं देखी कोई भी? बुआ ने तो देखी, आपने देखी? हाँ देखी होगी, जो हमारा दिखता नाचा था तब की बना रखी थी वो देखी नहीं हमने? वो सब देखी होगी। हाँ और ये बकरी की सफाई हीरू कहाँ गया?
ससुराल जा रखा है। अच्छा गुनी जा रखा है। आज आएगा और शादी तो बढ़िया रही होगी उसकी। चलो आपकी बहू आ गई। आपके घर पे आया था, घर पे थे क्या आप? बुहारी के साथ थोड़ा हूँ मैं। बुहारी पता चल गया था मुझे। मैं चला गया ऑफिस पर आगे दोबारा। ये बन रहा प्रसाद, ये बड़ा जाएगा सामने। पूरी पूजा का जाने